हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलविश यादव के बारे में, अज्जू 0008 के बारे में, मनीष शर्मा के बारे में, हनी शर्मा के बारे में और अरुण पवार के बारे में। आप सभी को बताएंगे इन सभी के रियल नेम, एज, कार कलेक्शन और भी बहुत कुछ। बात करते हैं एलविश के बारे में। इनका जो रियल नेम है वह एलविश ही है। चलिए बात करते हैं अज्जू के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा अज्जू का रियल नेम क्या है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, अज्जू का जो रियल नेम है वह अजय है। चलिए बात करते हैं मनीष के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा इनका रियल नेम क्या है। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इनका रियल नेम, आप सभी को बता दूँ इनका रियल नेम मनीष ही है। चलिए बात करते हैं हन्नी के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा हन्नी के रियल नेम के बारे में क्या है। हन्नी का रियल नेम वो मैं आप सभी को बताऊँगा। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, जो हन्नी का रियल नेम है वह हन्नी नहीं है, शुभम इनका रियल नेम है। जी हाँ दोस्तों। चलिए बात करते हैं अरुण के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा इनका रियल नेम क्या है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, अरुण का जो रियल नेम है वह यही है। जी हाँ दोस्तों, अरुण ही इनका रियल नेम है। चलिए बात करते हैं अब हम इन सभी की एज के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा इन सभी की एज। पहले बात करते हैं एलविश के बारे में। आप सभी को बता दूँ एलविश की एज, आप सभी को बता दूँ एलविश की जो एज है वह हो चुकी है अभी 25 साल। चलिए बात करते हैं अज्जू के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा अज्जू की एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ अज्जू की जो एज है वह कितनी है। मैं आप सभी को बता दूँ अज्जू की एज हो चुकी है अभी 28 साल। चलिए बात करते हैं मनीष के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा मनीष की एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ मनीष की जो एज है वह कितनी है। मैं आपको बता दूँ इनकी जो एज है वह हो चुकी है अभी 26 साल। चलिए बात करते हैं हन्नी के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा हन्नी की एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ हन्नी की एज, आप सभी को बता दूँ हन्नी की जो एज है वह हो चुकी है अभी 27 साल। चलिए बात करते हैं अरुण के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा इनकी एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ अरुण की जो एज है वह हो चुकी है अभी, इनकी जो एज है वह हो चुकी है अभी 28 साल। जी हाँ दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब हम इन सभी के कार कलेक्शन के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा इन सभी के कार कलेक्शन, कौन किसके पास कितने कारें हैं वो मैं आप सभी को बताऊँगा। पहले बात करते हैं एलविश के बारे में। आप सभी को बता दूँ एलविश यादव के पास अभी 2 कार हैं, एक है फॉर्चुनर और एक है लेजेंडर। चलिए बात करते हैं अज्जू के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा अज्जू के पास कितनी कार हैं अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ अज्जू के पास कितनी कारें हैं। आप सभी को बता दूँ इनके पास अभी फ़िलहाल 3 कारें हैं, जिसमें एक है डिफेंडर, इसके अलावा एक है SUV 700 और एक है स्विफ्ट। 3 कार हैं इनके पास। चलिए बात करते हैं मनीष शर्मा के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनके पास कितनी कारें हैं अभी। तो गाइस चलिए मैं आप सभी को बता दूँ इनके पास अभी 4 कारें हैं, जिसमें है एक BMW है, एक थार है, एक स्कॉर्पियो है और एक स्विफ्ट है। चलिए बात करते हैं हन्नी के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा हन्नी के पास कितनी कारें हैं अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ हन्नी के पास 1 कार है, जो कि है स्कॉर्पियो। चलिए बात करते हैं अरुण के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा अरुण के पास कितनी कारें हैं अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इनके पास कितनी कार हैं अभी। आप सभी को बता दूँ अरुण के पास अभी 2 कार हैं। मैं आप सभी को बता दूँ एक है इनके पास किया, इसके अलावा एक है इनके पास स्कॉर्पियो N। तो गाइस आशा कर रहा हूँ अब तक का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब हम सभी। तो गाइस अब हम बात करेंगे इन सभी के YouTube चैनल्स के बारे में। आप सभी को बताऊँगा इन सभी के YouTube चैनल्स के बारे में। आपको पहले बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। आप सभी को बता दूँ मैं इस YouTube वीडियो में आप सभी को इनके व्लॉग वाले YouTube चैनल्स के बारे में बताऊंगा। एलविश यादव का व्लॉग वाला YouTube चैनल है जिसका नाम है एलविश यादव व्लॉग, जहां पर इनके व्लॉग्स आते हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए बात करते हैं अज्जू के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा अज्जू के YouTube चैनल का नाम, अज्जू के YouTube चैनल का नाम है Ajju0008, जहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आते हैं जिन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आज। चलिए बात करते हैं मनीष के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा तो मैं आप सभी को बता दूँ इनके व्लॉग वाले YouTube चैनल के बारे में। इनके व्लॉग वाले YouTube चैनल का नाम है मनीष शर्मा, जहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे व्लॉग आते हैं। चलिए बात करते हैं हन्नी के बारे में। आप सभी को बता दूँ हन्नी के YouTube चैनल के बारे में, हन्नी शर्मा व्लॉग्स के नाम से इनका काफ़ी अच्छा YouTube चैनल है, जहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आते हैं। चलिए बात करते हैं अरुण के बारे में। आप सभी को बता दूँ अरुण पवार के नाम से इनका काफ़ी अच्छा YouTube चैनल है, जहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे व्लॉग कारों से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। तो बस आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस में आप सभी के लिए मैं चलाता रहूँगा, बस आप मुझे यूँ सपोर्ट करते रहना। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।